अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे सब ठीक ठाक हों और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ठीक है। आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं और आप लोगों ने उसको दुआएं भी देनी है बहुत सारी। अल्लाह बच्चियों के मुकद्दर नसीब अच्छे करे, सब बच्चियों का अच्छे करे और मेरी बच्ची की भी अच्छे करे। वो घर पे तो नहीं है तो मैंने कहा कुछ सरप्राइज चीज़ बना लेते हैं खाने के लिए। मैंने फ्राई पैन रख लिए, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। आज मैं बना रही हूँ पराठा रोल चिकन। ये कुछ मैंने ब्रेस्ट पे पीस ले लिए चिकन का, तकरीबन 1.5 पाव है। पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये फ्राई हो रहा है जब तक हम कुछ और काम देख लेते हैं। ये अच्छे से 3-4 मिनट फ्राई होगा, उसके बाद हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। इसको अच्छे से पलटी पलटी कर लेते हैं। आज मेरी बेटी की सालगिरह है, ये तो एक नाम होता है, बस आप लोगों ने उसको बहुत सारी दुआएं देनी है और मुझे भी कमेंट्स करके बताने हैं जो मैं बनाऊंगी ये अच्छा बना या नहीं बना, आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ी आँच मैंने ज़्यादा रखी है कि अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए सब कुछ बहुत ही हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे। आधी चम्मच में नमक भी डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कलर वाली मिर्च और 1 टी स्पून टिक्का मसाला ये डाल दूंगी। लहसुन मैंने 1 चम्मच डाल दी है, अब आधा लेमन डाल देते हैं। तकरीबन 2 चम्मच लेमन है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा दही डाल देते हैं। अब जो इसमें पानी है उसको ढक के मैं अच्छे से खुश्क होने तक थोड़ा पका लूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से टेंडर हो गई है रोटी भी और मसाला भी, ये देख ले कितने अच्छे से साथ में लग गया है। अब हल्का फुल्का जो पानी है वो भी थोड़ा खुश्क कर लेंगे। अच्छे से जो साथ में लग गया उसको भी थोड़ा उतार लेते हैं। लेमन और दही की वजह से बड़ा अच्छा टेंडर हो जाते हैं।
अब इसे उतार लेते हैं जब तक ये ठंडा होता है, जब तक हम अपनी पराठा बना लेते हैं। ये पराठे के लिए मैंने आटा ले लिए, इसके अब हम पराठे बनाएंगे। एक पराठे वाला जो पेड़ा बनाएंगे इसको पहले मैं एक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह बनाएंगे। ये इस तरह बनाएंगे हम लोग। अब मैं सारे बना लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने तवा रख लिया है और गर्म हो गया, इस पे रोटी बना के डालते हैं। ऑयल लगा देंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है लेकिन क्या करें, अब स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को दिखाना पड़ता है तो उसकी वजह से वीडियो तो बड़ी होती ही है। कलर कितना अच्छे से कलर आए। पराठा हमारा तैयार हो गया। अब मैं सारे इस तरह बना के फिर आगे क्या करना है फिर आपको दिखाती हूँ। इतने अच्छे कलर आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह की शान, इसकी नियामतें, इसकी बरकतें जो वो हमें अता करते हैं। हमारे पराठे तैयार हो गए सारे। अब इनको हम थोड़े रोल बना लेते हैं। ये आगे हमारे पराठे, ये मैंने क्रीम ले ली है टेट्रा पैक के, आप लोगों के पास अगर नहीं है तो दूसरी भी ले सकते हैं। और इसमें भी हम मेयोनीज डाल देती हूँ। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कुछ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने ट्रे ले लिया और इसमें मेयोनीज लगा लेते हैं और क्रीम, दोनों चीज़ें अच्छे से थोड़ी बार बार के लगाएंगे सारी जगह पर। पुदीने की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है आप लोगों को पता है। आप इस पर चिकन लगा देते हैं। इसको रोल कर लेते हैं इस तरह, ये टुकड़े लगा देती हूँ। ये देखें ये मैंने दो बना लिए हैं, बाकी मैं बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग कहेंगे कितनी बड़ी वीडियो बना ली है। ये मेरी उस बेटी के हैं जो जिसकी अभी बर्थडे है, ये मेरे बेटे के हैं जो अभी अभी कॉलेज से वापस आए है, ये उसके लिए बनाऊंगी। ये सादा सा बनाऊंगी क्योंकि वो सब्जियां वगैरह तो खाता नहीं है, तो
तो इस वजह से इसको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है। तो मैं सारी डाल देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बेटी आ गई है, आज उसकी बर्थडे है। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं देनी है उसको। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मैंने रोल बना लिए, आपने इस पर भी कमेंट्स करने हैं कैसे लगे आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे वॉच टाइम भी दें।